शासकीय विद्यालय के जर्जर भवन में गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, कई सालों से नहीं हुई पानी की टंकी की साफ सफाई, बैठने के लिए केवल फट्टी की व्यवस्था, प्रांगण की कीचड़ में फिसल रहे बच्चे। पन्ना जिले के गरीब परिवारों के बच्चे शासकीय विद्यालयों के जर्जर भवन में अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। अधिकांश विद्यालयों के भवन खस्ताहाल हैं। मेंटेनेंस का बजट कहां जाता है कोई बताने को तैयार नहीं है। ऐसा ही मामला पन्ना के नगरीय क्षेत्र अंतर्गत कलेक्टर के बंगले से चंद दूरी पर शासकीय हिरणबाग माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसके सामने से कलेक्टर और अपर कलेक्टर का दिन में कई बार आना जाना होता है। इस विद्यालय के खस्ताहाल भवन की छत से सीमेंट झड़ता रहता है और कीड़े मकोड़े भी आते रहते हैं। बैठने के लिए पुराने जमाने की तरह टाट पट्टी की व्यवस्था है, जबकि अन्य विद्यालयों में बेंच की सुविधा हो चुकी है। बरसात के समय प्रांगण में कीचड़ का माहौल रहता है। पानी की टंकी की सफाई कई सालों से नहीं हुई है। डस्टबिन का कचरा महीनों से नहीं उठाया जाता है। विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए प्राप्त होने वाले बजट का कोई हिसाब किताब नहीं है। मामले के संबंध में नवागत प्रभारी प्राचार्य हेमलता रेखवार से पूछने पर बताया गया कि उन्होंने एक माह पहले ही ज्वाइन किया है, अभी तक उन्हें रजिस्टर के अलावा कुछ भी नहीं मिला। गंदगी और अव्यवस्थाओं के संबंध में बताया कि कचरा हटवाने नगर पालिका में बात करने पर स्वयं हटवाने की सलाह देती है। मेंटेनेंस के लिए भी अधिकारियों को पत्र लिखा है। व्यवस्थाओं के लिए बजट नहीं है। कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने स्वयं के व्यय पर की हैं। अभी तक पूर्व व्यवहार नहीं मिला, जिससे उन्हें अन्य व्यवस्थाओं में परेशानी आ रही है। जब शहरी विद्यालयों की दुर्दशा है तो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की स्थिति कैसी होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये शासकीय माध्यमिक शाला हिरणबाग पन्ना, तो यहाँ पर हमें बच्चों के साथ बहुत सारी परेशानियों को देख रहे हैं हम सभी। यहाँ क्या है, सबसे जैसे ही गेट के अंदर एंट्री करो तो नगर पालिका के द्वारा वो कूड़ेदान रखवाए गए हैं 3-4, और बगल में सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो आते ही सार मतलब इतनी स्मेल वगैरह आती है यहाँ। और फिर बरसात में इतना ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ हो गया है, तो मैं कई बारी हम लोग गए नगर पालिका वाले कहते हैं अपने बजट से करो, तो जब हम लोगों को मेरे पास बजट ही नहीं है तो हम लोग कहाँ से उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मतलब इतना ही ज़्यादा है कि छोटे छोटे बच्चे फिसल फिसल के गिर रहे हैं। एक बार तो एक बच्चे के पैर में मोच भी आ गई थी, तो उसको तुरंत हम लोग फिर लेके गए। और यहाँ पर जो छतें हैं, इस स्कूल की छतें वो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, तो जब से ये स्कूल बना है तब से यहाँ की छतें मतलब बिल्कुल से ही जीर्ण से अवस्था में हैं, तो उसमें से कीड़े भी गिरते रहते हैं, सब कुछ है। तो बच्चे बैठते हैं तो किसी बच्चे की पीठ में यदि गिर जाता है तो उसको वहाँ पे जलन वगैरह होने लगती है।